कैंप क्षेत्र में रहने वाले भाई वहाबुद्दीन, सलामुद्दीन और भाई सईदुद्दीन ने मिलकर अपने वालिदैन की रिसाले सवाब के लिए गौसिया मस्जिद कैंप एक को एक एम्बुलेंस दान में दिया। इस एम्बुलेंस से सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे कैंप क्षेत्र के रहवासियों को इसका लाभ मिल पाएगा। कैंप क्षेत्र की गलियां काफी सक्रिय हैं और यहां बड़ी एम्बुलेंस का आना संभव नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो यह मिनी एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। एम्बुलेंस देने वाले तीनों भाइयों ने मीडिया के समक्ष कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि हमने यह कार्य जन भावना के अनुरूप किया है, जिसके लिए गौसिया मस्जिद के सदर मिर्जा मुकीम बेग सहित मस्जिद के मौलवी ने तीनों भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह एम्बुलेंस क्षेत्र में रहने वाले सर्वधर्म के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस मौके में मैं सबसे पहले वहाबुद्दीन भाई और सलीमुद्दीन भाई या सईदुद्दीन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गौसिया मस्जिद को एक एम्बुलेंस अपने वालदैन की साले सवाब के लिए दिया। ये ईद के मौके पर गौसिया मस्जिद में वफ़ किए हैं और ये एम्बुलेंस का खिदमत पूरे समाज के लिए है और हर समाज के लिए है। इसका उद्देश्य यही है कि हर समाज का इसमें सेवा हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा, हर समाज के लिए एम्बुलेंस इन्होंने दिया। इनका फिर से गौसिया मस्जिद कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गौसिया मस्जिद का कैंपोन के इमाम साहब हूँ और उसी मस्जिद में कई सालों से मैं खिदमत कर रहा हूँ और हमारे करम फरमा जनाब हाजी अब्दुल वहाबुद्दीन साहब फल वाले और इस्लामुद्दीन गैरिक वाले और उनके भाई सईदुद्दीन, ये तीनों भाइयों की जानिब से ये एम्बुलेंस ईद के मुबारक मौके पर क्योंकि ये अपने वालदैन के साले सवाब के लिए किए दिए हैं और दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी वालदैन को बद कदी जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए और इन भाइयों की कमाई में बरकत हो।